ओके, स्टार्ट टू द न्यू सेशन ऑफ ट्रांसलेशन सेक्शन है जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सीखेंगे। हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी बोथ विथ वोकैबुलरी भी इसमें देखेंगे। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले बता देता हूँ कि जब मैं इस किताब को, वेन आई स्टार्ट दिस बुक आई विल फिनिश वन डे, एक दिन क्या करूँगा, जब मैं शुरू किया तो एक दिन फिनिश भी कर दूंगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन फॉलो मी एंड दैट पर्सन विल बी फर्स्ट टाइम विजिट इन माई चैनल, सो सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गिव इंस्टेंट वीडियो वे नहीं अपलोड एनी वन। जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले मिल जाए, इसके लिए क्या आप बेल आइकन दबा लेंगे। मैंने आपको बोला जो भी मैं हिंदी बोलता हूं, मैंने ये बोला क्या है, जब मैं एक किताब को स्टार्ट किया हूं ऑक्सफोर्ड का, तो आपको अंत तक ख़त्म होगा, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। आप जब फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि फिर हमें आपको आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद इतना नॉलेजेबल हो जाएंगे कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ओनली फॉलो मी एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन वेन आई एम टेलिंग यू एनीथिंग। जब मैं कुछ भी अब कर रहा हूँ तो लिसन केयरफुली एंड फॉलो इट, ट्राई टू फॉलो इट। अगर ट्राई करेंगे फॉलो करने का तो हो जाएगा, नो डाउट। तो आज का जो सेक्शन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लेता हूँ क्या क्या है, जो कि एक्सरसाइज 7 है और इसका भी मिला जुला कर वही रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में तो कोई मैं देख नहीं रहा हूँ कि चेंजिंग तो कोई दिख नहीं रहा हमें, लेकिन फिर भी मैं इस सेक्शन को लेने से पहले लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ अंतर आ जाए। और मैं एक ही बार सब लिख देता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास भी लिखता हूँ तो एक ही बार सब लिख देता हूँ इस बातों को। अब नोट एन अलग अलग करें ज़्यादा हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अगर आना हो तो नोट भी इसी तरह में आ जाएगा। उसके बाद एन आना हो तो एन आ जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, जैसे जरूरत रहेगा डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट पे करेगा डिपेंड, ऐसा नहीं है। तो अब जानते होंगे इज कहाँ, एम कहाँ और कहाँ लगता है, क्योंकि कई बार बताया गया है। अगर जो नए होंगे नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले सीजन देख लेंगे। तो कहता है कि साधु दयालु होते हैं। अब यहाँ पे हैं पे एक बिंदु लगा दिया, इसका मतलब मोर देन वन है संत, इसीलिए इसका बनेगा ई सी आई एन टी एस, संत्स आर काइंड। क्या बनेगा, संत्स आर काइंड। गाय नेक होती है, क्या लिखा हुआ है, गाय नेक होती है। अब यहाँ पे होती है और अंत में है पर नहीं कुछ लगा था, काउ इज जेंटल, काउ इज जेंटल माने नेक, सीधे या सिंपल भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, जेंटलमैन नहीं कहता सिंपल वन भी कह सकते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज एक्टिव, कैट इज एक्टिव। गरीब ईमानदार होते हैं, तो एक तो ये बना सकते हैं आपकी द प्लस एडजेक्टिव, क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लुरल नाउन हो जाता है। या तो फिर आप लगा सकते हैं उसी तरह का सिंपल, तो बनेगा गरीब ईमानदार होते हैं, तो इसको हम बना देंगे द पुअर लगा दीजिए, या फिर लगा दीजिए पुअर पीपल कर दीजिए, पुअर पीपल। और क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनेस्ट। इसे कहते हैं किसान परिश्रमी होते हैं, तो बनेगा फार्मर्स आर एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस। फिर कहते हैं आम मीठा लगता है, एम एन द मैंगो इज स्वीट, क्या हो गया, आम मीठा लगता है। अब कहता है कि घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, घोड़े और कुत्ते क्या होता है,
वफादार होते, घोड़े और कुत्ते ना, तो हॉर्सेस एंड डॉग्स, दो नाउन प्लुरल है तो भी जुड़ गया, तो प्लुरल ही होगा। हॉर्सेस एंड डॉग्स आर एफ ए आई टी एच एफ यू एल, फेथफुल हो गया। तो आगे देखते हैं, हॉर्सेस हो गया, फिर कहता है शिक्षक दयालु होते हैं, तो टीचर्स, क्योंकि है पर बिंदु लगा, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड हो गया। फिर कहता है कोयला काला होता है, तो सी ओ एल, कोयल इज क्या हो जाएगा, ब्लैक। इसी तरह आगे देखते हैं, चीनी मीठी होती है, एस यू जी शुगर इज कहते स्वीट, एस डब्लू डबल ई टी, चीनी मीठी होती, हो गया। पानी ठंडा होता है, तो मतलब कि कह दिया कि वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड हो गया। आग गर्म होता, क्या है आग गर्म होता है, तो आग क्या होता है, फायर, फायर इज हॉट, आग गर्म होता है। सांप डरावना होता है, सांप द स्नेक इज फियरफुल, एफ ई आर एफ यू एल, फियरफुल, सांप डरावना होता है। फिर कहता कि भारतीय किसान मेहनती होते हैं, फिन लगा दिया बिंदु, तो इंडियंस लगा देंगे, इंडियन फार्मर्स आर एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, लेबोरियस। तो हो गया कि जिस भारतीय किसान मेहनती होते हैं, हो गया। मनुष्य मरणशील होता है, जो आया है तो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। फिर कहता है आगे कि सी बहाद, सी मजबूत होता है, द लायन इज, द लायन इज स्ट्रांग। इसलिए कहता है, आगे कहता है कि बच्चे नटखट होते हैं, चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रेन माने बच्चे, चिल्ड्रेन आर नॉटी, एन ए यू जी एच टी वाई, नॉटी हो गया। माँ दयालु होती है, द मदर इज क्या हो जाएगा, काइंड, मदर इज काइंड। बच्चे सीधे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन आर सीधे होते हैं, तो सिंपली देंगे। फिर कहते चांदनी रात ठंडी होती है, अमूनलिट, अमूनलिट नाइट इज कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडी होती है। फिर कहता है कि सूर्य गर्म होता है, द सन इज क्या होगा, हॉट, क्या हो गया, द सन इज हॉट। इस तरह से ये भी सेशन ख़त्म होता है, बस खाली बच गया वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी को भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। लिखा हुआ है संत माने साधु, काइंड माने दयालु, जेंटल मतलब नेक, एक्टिव माने फुर्तीला। गरीब लोग द पुअर लिखल है, पुअर का अर्थ गरीब तथा द पुअर का अर्थ होता है गरीब, और द पुअर या पुलल होता है जो मैं पहले बता दिया था, इस बार गरीब का अर्थ होता है गरीब लोग। किसान फार्मर्स, लेबोरियस माने परिश्रमी मेहनती, स्वीट माने मीठा, फेथफुल माने वफादार, टीचर माने शिक्षक, कोल माने कोयला, ब्लैक माने काला, शुगर माने चीनी, स्नो या आइस मतलब बर्फ, कोल्ड मतलब ठंडा, फायर माने आग, हॉट मतलब गर्म, स्नेक मतलब सांप, फियरफुल माने डरावना, भारतीय किसान इंडियन फार्मर, मनुष्य का मैन, मनसिल का मॉर्टल, सिंह का लायन,
माँ का मदर, सीधा का सिंपल या इनोसेंट, चांदिया के मूनलिट नाइट हो गया, सूर्य का दर्शन। इस तरह से ट्रांसलेशन का ऑक्सफोर्ड का सेशन ख़त्म होता है। तो फाइनली आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नेवर फॉरगेट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू टू वॉच दिस सेशन।